प्रश्नावली 8.2 को जो है बनाने के लिए हमें घातांकों को नियमों को जानना बहुत जरूरी है, तभी जो है प्रश्नावली 8.2 को जो है हल कर सकते हैं। तो घातांक नियम क्या है जाने, एक्स पावर एम इंटू एक्स पावर एम, यदि बेस बराबर हो, बेस समान हो तो पावर आपस में ऐड हो जाएगा। सेकेंड घातांक नियम, एक्स के पावर एम भाग एक्स के पावर एम, यदि बेस समान हो और भाग हो तो पावर आपस में जो है सब्ट्रैक्ट हो जाता है। यदि किसी भी डिजिट के पावर में जो है जीरो हो तो वहां उसका वैल्यू वन लिख सकते हैं। ए के पावर वन बाई ए के पावर एम हो इसे ए के पावर माइनस एम भी लिख सकते हैं, यदि ए के पावर एम हो तो इसे वन बाई ए के पावर एम भी लिख सकते हैं। सिक्स, ए के पावर एम और इसका पूरा पावर एन हो तो ए के पावर एम इंटू एन, ए के पावर एम और बी के पावर एम, यदि बेस जो है बराबर ना हो लेकिन पावर जो है इक्वल हो तब। तो यहां पर इस सब पर एक एक एग्जांपल, ये 3 के पावर 15 है और 3 के पावर 7, तो यहां पर बेस जो है बराबर तो पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा 3 के पावर 15 प्लस 7 3 के पावर 22, ये जो है भाग है तो भाग में पावर जो है सब्ट्रैक्ट होता है 11 के पावर 6 और इसका मान 1, ये जो हो जाएगा अगर इसे लिखना चाहे 2 के पावर -5, ये 8 के पावर 3 है तो इसे इस तरह भी लिख सकते हैं 8 के पावर -3, ये 5 का स्क्वायर और इसका पूरा होल क्यूब तो हो जाएगा 5 के पावर 6, ये रहा इसको लिख सकते हैं 2/5 का क्यूब और ये 2 का क्यूब 8 और 5 का क्यूब 125, ये रहा एग्जाम्पल रहा ये सब जो है घातांक के नियमों पर। यदि इस तरह आए तो इस तरह जो है इसके घातांक नियम का प्रयोग करके ये सब हल कर सकते हैं। तो प्रश्नावली 8.2 को जो है सॉल्व करें। प्रश्नावली 8.2 में फर्स्ट क्वेश्चन है, सरल कीजिए और उत्तर को घातांकीय रूप में लिखिए। फर्स्ट प्रश्न, 7 का स्क्वायर × 7 पावर 4 पावर जो है ऐड हो जाएगा 4 × 6 और 6×8 40 7 3 के पावर 10 / 3 के पावर 6 तो 10 यहाँ पर सब डिवीजन है तो पावर जो आपस में घट जाएगा 3 के पावर 4 डी का स्क्वायर, ये सब रोमन में 1 2 3 1 डी का स्क्वायर इंटू डी का क्यूब डी का पावर 5 2 3 8 5 एक्स 5 x + 2 या 2 + x भी लिख सकते हैं 5 का क्यूब और 2 इसमें जो है ये जो a के पावर m इंटू n है इसका पावर n है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 के पावर 6 / 5 के पावर। फिर यहाँ पर आ गया घातांक नियम 2, अगर डिवीजन और बेस बराबर तो पावर जो है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 5 के पावर 6 - 3 ये हो जाएगा 5 के पावर 3 3 के पावर 5 × 5 के पावर 5 ये रहा कि पावर जो है समान हो लेकिन बेस जो है बराबर ना हो तो बेस का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 × 5 और इसका पावर 4 / 5 15 का पावर 5
सेवन नंबर प्लस ए के पावर फोर और बी के पावर, तो ये हो जाएगा ए बी के पावर फोर। एट नंबर, टू के पावर 20 भाग 2 के पावर 2 इनटू 2 के पावर 3, तो ये हो जाएगा सबट्रैक्ट 2 के पावर 10 इनटू 2 के पावर 3, तो ये आपस में ऐड 2 के पावर 13 9 9 के पावर p भाग 9 के पावर q, ये हो जाएगा 9p माइनस q। बेस समान हो तो पावर जो है सब्ट्रैक्ट होता है, तो ये हुआ आंसर।